नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल व्लॉग्स ऑफ मुकेश पंडित में फिर से आपका स्वागत है। और ये जो मेरा अभी लास्ट मैंने वीडियो डाली थी, अभी मेरा एमपी का ट्रिप चल रहा है, तो ये मेरी एमपी की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो आपने देखी हो तो उसमें मैंने जो श्री राम का मंदिर था जब मैं वहाँ पर पहुँचा था, जो कि सिवनी बस स्टैंड के पास है। सेकेंड मेरी मैगी वाली थी और ये अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर बाबा की तरफ। तो वहाँ से हमने सिवनी से लोकल ट्रेन ली जो कि खांडवा, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे नेशनल फ्लैग है, ये खांडवा रेलवे स्टेशन का सीन है, ये सामने की तरफ। तो जब भी आप ओमकारेश्वर जाते हैं तो वहाँ पर कोई डायरेक्ट रेलवे स्टेशन नहीं है, तो आपको इटारसी या होशंगाबाद आके आपको खांडवा के लिए ट्रेन लेनी होगी। और अगर आपके पास आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ से लोकल खांडवा के लिए है तो आप वहाँ से डायरेक्ट खांडवा आ सकते हैं। तो खांडवा आप जब भी आते हैं रेलवे स्टेशन, तो वहीं सामने ही ये दो मंदिर हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, आप सामने की तरफ देख सकते हैं। और यहाँ मंदिर पे दर्शन करने के बाद आगे हम, यहाँ से सिर्फ 70 किलोमीटर होता है, तो यहाँ से आपको बस मिल जाती है या बाइक से जा सकते हैं, टैक्सी भी जाती हैं। तो पहले मैं आपको ये मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बाबा ओमकारेश्वर की तरफ लेके चलता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रात के 10:30 बजे का सीन है। तो ये मंदिर आप सामने की तरफ देख रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, लेकिन मैं ये मंदिर आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। तो बहुत सारे मंदिर होते हैं जहाँ पर कैमरा अंदर की तरफ अलाउड नहीं होता है, लेकिन बाहर की सुंदरता देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर दोनों कितने सुंदर हैं। तो जब भी आप ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने का प्लान बनाते हैं तो खांडवा अगर आप आते हैं रेलवे स्टेशन तो वहाँ पास में ही किसी से पूछ लें, दादाजी के टेम्पल के नाम से ये फेमस है, तो ये भी ज़रूर देखें। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लगेगा देखने में, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है यहाँ पे, और बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ एकदम स्मूथली होता है, कोई आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो ये आप ज़रूर देखें। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का लेदर और वॉलेट ये सब अलाउड नहीं है अंदर, तो कृपया ये सब सामने की दुकान है वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो मंदिर दर्शन करने के बाद अब हमने अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट कर दी है, हम 6 लोग जा रहे हैं एक बाइक पे, दो दो करके। तो आप भी जब भी यहाँ से जाएं तो आप यहाँ से डायरेक्ट बस भी जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। जो इसका अब आगे का पार्ट है वो मैं पार्ट्स में दिखाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने बना ली हैं, तो वो मैं टुकड़ों में ही दिखाऊंगा, एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर लोग देख नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहें, और जब भी नोटिफिकेशन आए तो एक बार ज़रूर देखें। अगर आपके पास टाइम की कमी है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो आप टॉयलेट में जब फ़ोन लेके जाते हैं वहाँ बैठ के देख सकते हैं, या फिर आप उसे प्ले करके रख दें और बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ देखें ज़रूर, सपोर्ट करें, कमेंट्स करें। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो पूरा देखें आप। और अभी हम लोग यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम रुके हैं, ये करीब वहाँ से 15 किलोमीटर हम यात्रा करने के बाद, तो यहाँ रेस्टोरेंट में मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। झूठा सही दुनिया को मिटाने आया, अरे आते नहीं आते। जब तक हमारा खाना आया तो हमने, ये भाई साहब थे जो गाना गा रहे थे छोटू, इनसे हमने थोड़ा मनोरंजन किया, इनके गाने सुने। और मैंने खाने में जो सब्जी ऑर्डर की थी वो थी सेब टमाटो, जो कि जेठालाल खाता है तारक मेहता में, तो मैंने सोचा ये पनीर वनीर तो अपने यहाँ मिलती रहती है
ये सेव टमाटो ट्राई करते हैं और वाकई बहुत अच्छी लगी। तो मैंने 3 दिन वहाँ सेव टमाटो ही खाई एक शाम के समय। तो और अब खाना खाने के बाद हम चल दिए हैं फिर से, और यहाँ से अब लगभग 60 किलोमीटर बचा हुआ है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जहाँ से हम ओमकारेश्वर की यात्रा स्टार्ट करेंगे वहाँ से होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, थैंक यू सो मच। कम से कम एक लोग को शेयर जरूर करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू।